गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनता ग्लोबल स्कूल। अपन ने चैप्टर सेकंड कंप्लीट कर दिया था। आज अपन अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। टेस्टिंग क्या होता है? अपन कुछ भी खाते हैं अपन को उसका टेस्ट मिलता है। तो टेस्ट यानी जो अपन फूड खा रहे हैं उसको अपन का टेस्ट मिलना, यानी कि जो स्वीट है, खट्टा है या स्पाइसी है। और डाइजेस्ट होना क्या होता है? जब अपन खाना खा लेते हैं तो अपने स्टमक में खाना डाइजेस्ट कैसे होता है तो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डिफरेंट टेस्ट। जुम्बा रैंड इनटू किचन एंड कॉट होल्ड ऑफ हर मदर सेइंग, माँ आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला। जुम्बा एक लड़की होती है, जुम्पा, क्या नाम होता है उसका, जुम्पा। वो ना किचन में भागती है और किचन में भागते भागते अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लेती है और फिर बोलती है, मम्मी माँ आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बीटर करेला, मैं ये ना कड़वा कड़वा करेला नहीं खाऊंगी। गिव मी गुड एंड रोटी, मुझे रोटी और गुड़ दो। माँ स्माइल एंड सेड, मम्मी उसकी मम्मी हंसती है, जुम्पा की मम्मी हंसती है और बोलती है, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग, और बोलती है कि तुमने सुबह ही तो रोटी और शक्कर यानी कि शुगर खाई थी। फिर उस उतने में एक जूलन आती है, जूलन टीज जुम्पा। जूलन क्या करती है? जुम्पा को परेशान करती है और क्या बोलती है, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट, क्या बोलती है कि ना तुम सिर्फ एक ही तरीका का खाना खा खा के बोर नहीं होती। जुम्पा रिप्लाइड, जुम्पा वापस क्या बोलती है उसको, जूलन ने क्या बोला था उसको कि तुम एक ही तरीके का खाना खा खा के बोर नहीं होती, तो जुम्पा क्या बोलती है वापस इसको, डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली, क्या तुम्हें इमली खाना पसंद नहीं है क्या। आई बैट योर माउथ इज वॉटरिंग जस्ट बाई हियरिंग द वर्ड इमली, क्या बोलती है वो जुम्पा कि मैंने इमली का नाम, मेरे इमली का नाम लेते ही तुम्हारे मुंह में तो पानी आ गया होगा। श्योर आई लव द सोर इमली, और क्या बोलती है, मुझे तो एकदम खट्टे खट्टे इमली बहुत ज्यादा पसंद है। बट आई एट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू, और उसके अलावा मैं क्या क्या खा सकती हूँ, मीठा भी खा सकती हूँ और नमकीन यानी कि सॉल्टी भी खा सकती हूँ। आई इवन ईट करेला, और क्या बोलती है, मैं तो करेला भी खा सकती हूँ। आई लुक डेट हर मदर, दे बोथ लाफ हार्टली, और जूलन अपनी मम्मी के सामने देखती है और हंसते हंसते क्यों है, क्योंकि जूलन पहले तो बोलती है कि मैं करेला नहीं खाऊंगी, बाद में ना जुम्पा को झूठ झूठ बोलती है कि ना मैं तो है ना करेला भी खाती हूँ। जूलन सेड टू जुम्पा, लेट्स प्ले अ गेम, जूलन क्या बोलती है जुम्पा को, चलो एक गेम खेलते हैं। यू क्लोज योर आईज एंड ओपन योर माउथ, और वो क्या बोलती है कि तुम अपनी आंखें बंद करो, अपना मुंह खोलो। आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, मैं तुम्हारे मुंह में कुछ खाने की चीज रखूंगी। यू हैव टू टेल वॉट इट इज, और तुम्हें बताना पड़ेगा कि वो तुम क्या खा रही हो। जूलन टुक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस, सॉरी, जूलन क्या करती है, नींबू के जूस की थोड़ी सी बूंदे किसके मुंह में डालती है, जुम्पा के मुंह में। जुम्पा सॉल लेमन, जुम्पा रिप्लाइड क्विकली, और जुम्पा को पता चल जाता है कि उसने के मुंह में क्या डाला गया, नींबू का जूस। जूलन देन पिक अप अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी, जूलन क्या बोलती है, जूलन अब ना छोटे से जैगरी का टुकड़ा लेती है यानी कि गुड़ का। हर मदर सजेस्टेड क्रश इट अदरवाइज शी विल नो वॉट इट इज, उसकी मम्मी क्या बोलती है, पहले तुम है ना इस गुड़ के टुकड़े को क्रश कर दो यानी कि पीस दो ताकि उसको थोड़ा सा ढूंढने में परेशानी हो। जूलन क्रश द जैगरी बट जुम्पा इजिली गेस्ट इट, जब है ना क्या करती है, जूलन जैगरी को क्रश करते लेकिन फिर भी जुम्पा को इजिली पता चल जाता है। दे प्लेड द गेम विथ डिफरेंट फूड आइटम्स, वो अलग अलग खाने के साथ ऐसे ही बार बार गेम खेलते रहते हैं। जुम्पा कुड टेल फ्राइड राइस, फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट, और जब ना जूलन क्या करती है, फ्राइड फिश को ना डालने वाली होती है जुम्पा के माउथ में, उससे पहले ही जूलन को पता चल जाता है। नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी वॉट दिस इज, फिर वो जुम्पा क्या बोलती है जूलन को कि तुम ना अब अपना नाक भी बंद कर दो
फिर मुझे बताओ कि ये क्या है। झुंपा वॉज कंफ्यूज, इट इज अ बिट बीटर और लिटिल सॉल्टी एंड समवॉट सो। क्या बोल झुंपा? अब जो जुलन के मुंह में डालती है ना, तो उसका नाक भी बंद होता है और आंखें भी बंद होती है, तो झुंपा क्या क्या बोलती है कि ना ये थोड़ा सा कड़वा है, थोड़ा सा सॉल्टी भी है और थोड़ा सा खट्टा भी है। गिव मी वन मोर स्पून फुल। जुलन टुक अनदर स्पून फुल ऑफ द कुक्ड करेला। जुलन क्या करती है, झुंपा को करेला पसंद नहीं होता, तो जुलन क्या करती है उसके मुंह में क्या डाल देती है, करेला, क्योंकि उसको पता भी नहीं चलता। कैसे पता नहीं चलता, उसकी आईज भी बंद होती है, किसकी, झुंपा की, और उसका नोज भी बंद होता है। झुंपा अनकवर्ड आईज एंड सेड हेयर इट इज इट। झुंपा क्या बोलती है, अब तुम आंखें अपनी आंखें खोलो और देखो तुमने क्या खाया है। झुंपा लाफ, गिव मी मोर, और फिर झुंपा जोर जोर से हंसती है। आपको देखो ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप चैप्टर, जब आप नोटबुक में काम करोगे ना, तो यहाँ पे लिखना चैप्टर थर्ड फ्रॉम, फिर ये वाली हेडिंग डालना, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद में ये डालना हेडिंग, डिस्कस एंड राइट। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, फिर सेकंड ये है, फिर थर्ड ये, फोर्थ ये, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जुलन्स माउथ स्टार्टेड वॉटरिंग व्हेन शी हियर द वर्ड इमली। व्हेन डज योर माउथ वॉटर, लिस्ट फाइव थिंग यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब दिस टेस्ट। जब जुलन है ना इमली का नाम सुनते तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। तुम्हारे मुंह में ऐसे सुन के ऐसा किसका नाम सुन के पानी आता है, ऐसी पांच चीजें बताओ। देखो फर्स्ट ये है आपका, जो मैं आप इस पर राइट का निशान लगा रही हूँ, तो इसका मतलब आपको ये करना है, ठीक है। जुलन माउथ स्टार्टेड वॉटरिंग, क्या लिखा हुआ है, व्हेन आई सी वन ऑफ माय फेवरेट फूड माय माउथ वॉटर्स, यानी कि जब मैं अपने पसंद की चीजों को देखता हूँ तो मेरे मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाता है। और जो पांच चीजें है वो क्या है, समोसा जिसका टेस्ट कैसा होता है, स्पाइसी, पिकल यानी कि अचार का खट्टा खट्टा सा होता है, जलेबी तो सबको पता है मीठी होती है, चॉकलेट भी मीठा होता है और आइसक्रीम भी मीठी होती है, तो इन सब का नाम सुनते ही मेरे मुंह में क्या आ जाता है, पानी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस, व्हाई। क्या आपको सिर्फ एक ही खाना या एक ही चीज का टेस्ट अच्छा लगता है, अगर लगता है तो क्यों, और नहीं लगता है तो क्यों। आई लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, मुझे अलग अलग चीजों के अलग अलग टेस्ट अच्छे लगते हैं। ओनली वन टेस्ट कैन बी बोरिंग, और सिर्फ एक ही तरीके का टेस्ट क्या होता है, बोरिंग होता है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जुलन पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन झुंपाज माउथ, यानी कि जुलन क्या करती है, थोड़े से नींबू के जूस की बूंदे डालती थी ना झुंपा के माउथ में। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विद जस्ट अ फ्यू ड्रॉप, क्या आपको लगता है कि थोड़े से ड्रॉप से अपन को टेस्ट का पता चल जाता है क्या, यानी कि अपन घर पे जब मम्मी खाना बनाती है तो उसको चेक करती है कि उसमें नमक सही है या मिर्ची सही है, तो एकदम थोड़ा सा टेस्ट करती है, तो उनको थोड़े से टेस्ट से पता चल जाता है। यस, हाँ उनको पता चल जाता है। अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सोर थिंग्स आर इनफ टू मेक आउट द टेस्ट, यानी कि खट्टी चीजों का थोड़ा सा भी ड्रॉप होगा ना तो अपन को पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इफ समवन, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है, इफ समवन वर टू पुट अ फ्यू सीड ऑफ सौंफ, सबने सौंफ खा रखी होती है, सबने सौंफ खाई थी ना, ऑन योर टंग, अगर आप थोड़ी सी सौंफ को अपने टंग पे रखो यानी कि अपनी जीभ पे रखोगे, वुड यू बी एबल टू टेल विथ योर क्लोज्ड, विथ योर आईज क्लोज्ड हाउ,
क्या आप अपनी आंखें बंद करके बता सकते हो क्या वो क्या था या फिर उसका टेस्ट कैसा था? यस वी कैन रिकॉग्नाइज समथिंग बाय टेस्ट एंड स्मेल ऑल्सो, यानी कि हमें टेस्ट से भी पता चल जाता है कि अपन क्या खा रहे हैं और उसकी खुशबू से भी। आप सबको पता है सौंफ के अंदर से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, तो सौंफ से भी हमें पता चल जाता है कि हम क्या खाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाउ डिड जुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश? कैन यू गैस द नेम ऑफ सर्टेन थिंग ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम? व्हाट आर दीज थिंग्स? यानी जुम्पा को ना बिना मुंह में डाले फिश के बारे में कैसे पता चल गया था? क्या आप भी सिर्फ सूंघने से या फिर बिना देखे या सिर्फ टेस्ट से पता लगा सकते हो कैसी चीजों को? यस, जुम्पा मेड आउट द फ्राइड फिश बाय इट्स स्मेल, यानी जुम्पा ने तो फ्राइड फिश खाए भी नहीं थी फिर भी उसको पता चल गया था ना। कैसे पता चला था? उसकी स्मेल से, यानी कि उसको उसकी खुशबू आ गई थी। यस आई कैन गेस मैनी थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल, हाँ मैं भी ऐसी बहुत सारी चीजों को सिर्फ सूंघ के बता सकता हूँ कि वो क्या है। जैसे कि आई कैन गेस फिश, ऑमलेट, समोसा, पकौड़ी एक्सेट्रा बाय देयर स्मेल, यानी कि मैं इन सब चीजों को सिर्फ सूंघने से भी पता लगा सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, हैज एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? व्हाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? जब भी आप दवाई लेते हो, कोई भी मेडिसिन लेते हो, तो किसी ने आपको नोज बंद करने के लिए बोला है क्या? अगर बोला है तो क्यों बोला है? सेंस ऑफ स्मेल हेल्प इन गेटिंग द कम्प्लीट टेस्ट ऑफ फूड, यानी कि स्मेल जब अपन कुछ भी खाते हैं उससे ना अपन को स्मेल मिलती है, यानी कि कोई भी खाना होता है ना उसको अपन से स्मेल मिलती है और वो अपने खाने को कंप्लीट करता है। इन केस ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग द नोज विल समवॉट मास्क द टेस्ट ऑफ मेडिसिन, यानी कि नाक बंद करने से भी अपन को अगर दवाई की स्मेल नहीं आएगी तो अपन को आसानी होगी उसको लेने के लिए। दिस मे बी द रीजन वाई वी आर टोल्ड टू क्लोज अवर नोज बाय टेकिंग अ मेडिसिन, और इसीलिए क्या बोला जाता है कि आप जब भी दवाई लो तो आप नाक बंद कर लो ताकि अपन को मेडिसिन की स्मेल नहीं आएगी तो अपन को इजी लगेगा उसको लेने में। ठीक है, ये जो सिक्स क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं ये आप नोटबुक में करना, जो क्वेश्चन में टिक लगाती हूँ ना वही नोटबुक में आपको करने होते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? क्लोज योर आईज एंड टेल, ये जो टॉपिक है अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। क्लोज योर आईज एंड टेल, यानी कि आप अपनी आंखें बंद करो हमें बताओ। ठीक है, इस टॉपिक को अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जो भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने देखो टिक लगाए हैं ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करने हैं। आप जो भी काम करते हो ना एकदम अच्छे से करना, नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए तब तक के लिए। और चैप्टर को भी आप अच्छे से रीड करना और घर पे चैप्टर की रीडिंग किया करो ताकि तुम्हारी क्या हो जाए रीडिंग प्रॉपर हो, अच्छी हो और क्लियर हो। ठीक है, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, बाय।